अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम CSS में अपने कस्टम सिलेक्टर्स कैसे बना सकते हैं, जिसमें कि हमने मेनली ID और क्लास बेस्ड सिलेक्टर को स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम एट्रीब्यूट बेस्ड सिलेक्टर्स को स्टडी करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। CSS में एट्रीब्यूट सिलेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास बेस्ड सिलेक्टर और आईडी बेस्ड के साथ बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है अपने एलिमेंट्स को CSS में सिलेक्ट करने का, क्योंकि CSS का अभी तक होपफुली आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। CSS में हमने प्रॉपर्टीज को असाइन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। ये एक वेब पेज है। CSS का सिर्फ ये काम है कि इसको स्टाइल करे और जिस तरह हम चाहते हैं वैसे स्टाइल करे। तो वो काम मोस्ट एफिशिएंट कैसे हो सकता है कि हम जो एलिमेंट हम चाहते हैं उसको हमारे पास ज्यादा से ज्यादा और एफिशिएंट से एफिशिएंट तरीका होना चाहिए उसको सिलेक्ट करने का। क्लास बेस्ड सिलेक्टर और आईडी बेस्ड सिलेक्टर ओके हैं, लेकिन उनसे काफी ज्यादा पावरफुल सिलेक्टर्स भी अवेलेबल है। जैसे अब क्लास बेस्ड सिलेक्टर और आईडी बेस्ड सिलेक्टर से हम एक काफी ज्यादा काम नहीं कर सकते। मैं ये काम नहीं कर सकता कि इस पे जब माउस इसके ऊपर आए तो इसका कलर चेंज हो जाए। अब ये क्लास बेस्ड सिलेक्टर से नहीं हो सकता। उसके लिए हमें CSS में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिलेक्टर है जिसको स्टडी करना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम अपने जो CSS में सिलेक्टर्स हैं उसको बेहतर बनाएंगे और उसमें एक चीज हम ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर कोड में आ जाऊंगा और अपनी index.html को ओपन कर लूंगा। यहाँ से मैं इस चीज को रिमूव कर दूंगा, टेक्स्ट वन का एक एलिमेंट रहने दूंगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, ये अभी तक हमारे पास एंड रिजल्ट है। अब मैं ये सेम काम मैंने अभी कैसे अप्लाई किया है चीजों को, मैंने सबसे पहले टैग नेम से स्टार्ट किया था। वो मैंने बता दिया कि हमने टैग नेम को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा CSS रीसेट के लिए यूज करना, वो चीज हमारी हो गई। मैंने इसको खत्म कर दिया यहाँ से। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि हम आईडी और क्लासेस को यूज कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम क्लासेस को ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि कोड मेंटेनेबल रहता है और फ्यूचर में अगर चेंजेस करने हो तो वो इजीली एडजस्टेबल रहते हैं। ये चीज हमारी होगी। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया कि अब सिर्फ और सिर्फ इन दो टाइप ऑफ सिलेक्टर से हम अपनी जो स्टाइलिंग है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारे पास और भी तरीके होने चाहिए। जैसे कि कोई एलिमेंट है जिसपे हम किसी भी रीजन की वजह से क्लास या ये आईडी नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते, तो उसको हम किस तरह सिलेक्ट करेंगे। उसका तरीकाकार हमारे पास एक बहुत ही जो जेनेरिक और एफिशिएंट तरीका है वो ये है कि हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को यूज करें। ओके, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जैसे कि आप एट्रीब्यूट के नाम से आपको समझ लग गई होगी कि ये जो भी हम एट्रीब्यूट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर ये टाइप एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर आईडी एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पर वैल्यू एक एट्रीब्यूट है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इनमें से किसी भी एट्रीब्यूट को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक एलिमेंट को या ज्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं उन सारे इनपुट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिसमें टाइप टेक्स्ट हो। अब ये एक रिडंडेंट सी चीज है। कर हम सकते हैं कि हम सबको एक दे दें इनपुट टेक्स्ट, ये सबको दे दें, ये इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी एक स्पेसिफिक सिलेक्टर है जिसको हम यूज कर सकते हैं और जो भी टेक्स्ट बेस हमारा यूज केस बड़ा स्पेसिफिक सा है कि हमने सारी सिलेक्ट ही वो करने हैं जिसमें इन एक तो होनी इनपुट चाहिए, ऊपर से टाइप उसकी टेक्स्ट होनी चाहिए, ये बड़ा स्पेसिफिक यूज केस है। हम ईमेल की बात नहीं कर रहे टाइप की, हम किसी टेक्स्ट एरिया की बात नहीं कर रहे, हम इनपुट फील्ड की बात कर रहे हैं, इनपुट टैग की, और उसमें टाइप का एट्रीब्यूट होना चाहिए और वो टेक्स्ट होना चाहिए। एक स्पेसिफिक सिलेक्टर हमारा पहले से ही रेडी है, हमें एक न्यू स्पेसिफिक सिलेक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है। नो डाउट ये कर सकते हैं, कोई रीजन ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को यूज करना आना चाहिए। हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे कि वो सारी इनपुट सिलेक्ट हो जाए जिसमें कि जो टाइप है वो टेक्स्ट है। उसका तरीकाकार ये है, CSS में जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर हैं वो इस तरह होते हैं, आप चाहें तो साथ में टैग का नाम लिख दें, ओके, अगर नहीं चाहते तो डायरेक्ट एट्रीब्यूट सिलेक्टर से स्टार्ट कर दें। इसके लिए हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और फिर उसकी वैल्यू, सिंगल कोट या डबल कोट इससे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन सिंगल कोट स्टार्ट करके डबल कोट से एंड नहीं कर सकते, तो प्लीज वो कॉमन सेंस है। मैंने सिंगल कोट यूज किया और मैंने कह दिया सारे वो यूज कर लो जिसमें टेक्स्ट वैल्यू, ये सिलेक्टर हो गया हर एक। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट को ही सिलेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने टैग यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कह देता ना कि इनपुट, वो इनपुट सिलेक्ट करो, ये बेसिकली एक कंपाउंड सिलेक्टर हो गया। यहाँ पे हमने पहले एक लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि जहां पे मैंने टेक्स वन कहा था और कोमा देके टेक्स टू या स्पैन पूछता, ये बेसिकली मल्टी सिलेक्टर था, मीन के एक से ज्यादा एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा था। ये सिंगल सिलेक्टर ये है, सिलेक्ट एक ही एलिमेंट को कर रहा है, लेकिन ये कंपाउंड सिलेक्टर है। इसमें जो चीजें हम चेक कर रहे हैं वो ज्यादा है, इसमें सिर्फ हम क्लास चेक कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आईडी चेक कर रहे हैं। इसको कंपाउंड सिलेक्टर मैं कैसे बना सकता हूँ, ये पी वन किसको लगा हुआ है, पैराग्राफ को लगा हुआ है। मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि भाई जिसको पी एलिमेंट हो, पैराग्राफ एलिमेंट हो, जिसको पी वन आईडी भी लगी हो। अब ये कंपाउंड सिलेक्टर है, पहले क्राइटेरिया सिर्फ इतना था कि सिर्फ आईडी पी वन होनी चाहिए, चाहे वो डिव हो, एच वन हो, इमेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट हो गया कि अब एक तो वो पैराग्राफ टैग होना चाहिए और ऊपर से उस पर आईडी भी लगी होनी चाहिए। मैं इसको और स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं इस पर कह सकता हूँ उसको क्लास भी लगी होनी चाहिए टेक्स्ट वन की। मैं और स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इस पर एट्रीब्यूट भी होना चाहिए टाइप टेक्स्ट का। इस चीज से तो मुझे कोई नहीं ना रोक रहा कि मैं इसको एट्रीब्यूट असाइन कर दूँ टाइप का, बशर्ते कि वो कोई काम नहीं करेगा उस पर, क्योंकि टाइप पैराग्राफ का कोई ऑफिशियल एट्रीब्यूट नहीं है, ये ऑफिशियल एट्रीब्यूट है इनपुट का। लेकिन हम एट्रीब्यूट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं यहाँ पे, वो बेसिकली उस पे हम हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि भाई मैंने इसको टाइप नॉन सेलेक्टेबल किया था क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक कंडीशन लगा दी थी। अब ये आपका यूज केस वैलिड है और ये आपकी एचटीएमएल भी इनवैलिडेट नहीं होने दे रहा, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आप अपने कस्टम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइप है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि वो फिर हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ये टाइप का एट्रीब्यूट आप लगाएंगे तो आपको अपने सीनियर को एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों किया, और वो सीनियर रिजेक्ट भी कर देगा। मैं आपको वीडियो के एंड में वो बताऊंगा कि हम अगर पी को एक टाइप का एट्रीब्यूट देना चाहें तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेट क्या होती है। अभी के लिए मैं इसको फॉल बैक कर दूंगा, रिवर्ट कर दूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। ये कंपाउंड सिलेक्टर है जिसमें मैंने बताया पहले इनपुट टैग होना चाहिए और उसमें टाइप का एट्रीब्यूट होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी टेक्स्ट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया मैच करेगा तो फिर मैं उसको कह देता हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, वो ग्रीन कर दें या ऑरेंज कर दें। यहाँ पर आए रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इनपुट आ गए, उनका बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज हो गया। यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ कि इसका ईमेल हो, क्योंकि वो क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो वो नहीं हो रहा। मैं अगर किसी एक को ईमेल कर देता हूँ, टाइप को ईमेल, अब क्राइटेरिया मैच कर रहा है जिसपे उस पर अप्लाई हो रही है। ओके, होपफुली आपको इतनी चीज समझ लग गई होगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज तो समझ लगी, लेकिन अगर ये प्लेस होल्डर की मैं बात करूँ, मैंने प्लेस होल्डर उसको भी कह दिया और प्लेस होल्डर इसमें भी दे दिया। इसमें मैंने कह दिया एंटर यूजर नेम और इसमें मैंने कह दिया एंटर यूजर ईमेल। अब प्लेस होल्डर का ऑब्वियसली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है वो तो यही है ना, जो आपको होपफुली आपने अभी तक गैस कर लिया होगा कि यहाँ पे मैं ये कर दूँ और कर दूँ, ये काम ठीक है। लेकिन ये इतना अप्रोचेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने गलती से यहाँ पे डॉट लगा दिया तो काम खराब हो जाएगा। तो ये वाला सिलेक्टर यहाँ पे इस तरह की जिसमें वैल्यू काफी बड़ी हो उस पर हम इक्वेलिटी चेक नहीं लगा सकते। ये इक्वेलिटी चेक है कि इक्वल एग्जैक्टली यही होना चाहिए, उसमें एक स्पेस ज्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, उसमें एक डॉट ज्यादा नहीं हो सकता, यूजर ईमेल से पहले नहीं आ सकता, ईमेल यूजर के पहले नहीं आ सकती, इस तरह के सारे चेक होते हैं। और टेक्स्ट बेस में इस तरह के चेक काफी मसले वाले होते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर ये जो साइन है, मद्दा वाला साइन, अलिफ मद्दा वाला साइन, ये बेसिकली मैक ओएस में शिफ्ट दबा के जी के साथ जो की है उसको करेंगे तो ये आ जाएगा। ये साइन आपने लेके आना, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ और यहां से इसको क्लोज। ये साइन, इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेट चेक कर रहा है कि ये इस टेक्स्ट में पूरा होना चाहिए। ये साइन और इस साइन के बाद आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड डिफाइन करते हैं कि जो ये वर्ड उसमें होना चाहिए। यहां पे दो वर्ड नहीं हो सकते, यहां पे मैं ये नहीं कह सकता कि यूजर ईमेल हो, स्पेस आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यहां पर वो नहीं चलेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ये यूजर का वर्ड ना प्लेस होल्डर का कोई भी टेक्स्ट हो
उसमें यूजर का वर्ड कहीं ना कहीं पे होना चाहिए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो अप्लाई हो जाता है। मैं यहाँ पे आके अगर इसको यूजर को मिला देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये यहाँ पर अनहाइड हो गया, क्योंकि यूजर का वर्ड अकेला वर्ड होना चाहिए। उससे पहले भी एक स्पेस होनी चाहिए और उसके बाद भी एक स्पेस होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया इसमें मैच कर रहा है। ओके, ये मद्दा के साइन के साथ यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अब सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने स्पेस खत्म कर दी। मैं स्पेस वापस लाऊंगा, ये दोनों पे अप्लाई होने लग पड़ेगा। मीन ये जो सिलेक्टर है मद्दा वाला, इसका मीन है कि ये स्पेसिफिक वर्ड एग्जिस्ट करना चाहिए उस पूरे टेक्स्ट में। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया कि यहां पे मैं कमेंट कर देता हूं, ये जो सिलेक्टर है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जिसमें अलिफ मद्दा का साइन और फिर इक्वल की सिंबल यूज करके उसके बाद जो वैल्यू, ये वर्ड सिलेक्टर है। ओके, एट्रीब्यूट की वैल्यू में वो लफ्ज जो आपने, एक वर्ड होना चाहिए वो उस पूरी वैल्यू में कहीं ना कहीं होना चाहिए। वो स्टार्ट में हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट में मैं लगा के अगर इसको यहाँ पे करूंगा, ये भी वैलिड यूज केस है। उसके अलावा अगर मैं इसको एंड पे लगा देता हूँ, स्पेस होनी चाहिए, वो वर्ड स्टैंड लोन होना चाहिए, वो किसी के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी एक वैलिड यूज केस है। मैं अगर यहाँ से स्पेस खत्म करूंगा, इनवैलिड यूज केस है। ओके, इस तरह वर्ड सिलेक्टर, मैं इसको वापस ले आऊंगा ताकि ये जो डिस्टर्बेंस है ये ओके हो जाए, रिफ्रेश, ये सेट हो गया। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि ये हमने वर्ड सिलेक्टर के एज इट इज वो वर्ड होना चाहिए, आपके पास ये यूज केस हो सकता है कि आपका वो वर्ड या तो सिर्फ और सिर्फ वो अकेला वर्ड हो, या फिर उस वर्ड के साथ हाइफन लगा के कुछ लिखा हो। अगर आप इस तरह के एट्रीब्यूट वैल्यू है और उसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास इस एट्रीब्यूट सिलेक्टर की एक और फॉर्म है जिसमें आता है ये पाइपलाइन, पाइप सिंबल, फिर इक्वल सिंबल और फिर यूजर। अब ये इन दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। मैं सेव करता हूँ और ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ ताकि हमें चेंज नजर आए। रिफ्रेश करता हूँ, अभी दोनों पे नहीं लग रहा। यहाँ पे अब मैं इसके यूज केसेस बताता हूँ कैसे लगेगा ये। एक यूज केस के सिर्फ ये वर्ड हो, एक ये वैलिड यूज केस है, एक इसके बाद कुछ भी हो लेकिन हाइफन के साथ, स्पेस के साथ नहीं। स्पेस वैलिड यूज केस नहीं है, डॉट वैलिड यूज केस नहीं है, नो स्पेस वैलिड यूज केस नहीं है। क्या वैलिड यूज केस है? कि हाइफन के साथ हो ये, और हाइफन के बाद अब आप चाहें तो कुछ बेसिकली और यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में कुछ आ सकता है, इसके पहले आप कुछ नहीं लिख सकते। मीन के यहाँ पे अगर आप कोई वर्ड लिख के उसको करेंगे तो वो वैलिड यूज केस नहीं है। इसके तीन वैलिड यूज केस हैं। एक वैलिड यूज केस है कि एग्जैक्ट वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखी है वो हो एज इक्वल चेक। एक और वैलिड यूज केस है कि हाइफन लगा के आप कुछ लिख दें। ओके, जैसे इन्फो लिख देता हूँ, एक वैलिड यूज केस, ये वैलिड यूज, और इसके बाद स्पेस दे के आप जो मर्जी लिख लें। ओके, इससे पहले स्पेस दे के नहीं कुछ लिख सकते, वो इनवैलिड यूज केस हो जाएगा। ये हमने कर लिया कवर। नेक्स्ट, आप चाह सकते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दो वैलिड यूज केस हैं और एक और वैलिड यूज केस है यूजर, यहाँ हाइफन के साथ, यहाँ पे उसके बिना, और समथिंग। यहाँ पे अब मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट। नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि मुझे वो वाले एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं जिसमें जो यूजर है वो कहीं पे भी आ जाए और किसी तरह भी आ जाए, किसी वर्ड के साथ मिला हुआ आ जाए हाइफन, ये उसके लिए हमारे पास है स्टैटिक इक्वल, कि कहीं पे भी आ रहा हो वो उसको मैच कर लेगा। क्या हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? इसकी जगह आ जाएगा स्टैटिक, और अब ये सिर्फ और सिर्फ ये देखेगा कि क्या यूजर इसकी पूरी वैल्यू में कहीं ना कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। रिफ्रेश करता हूँ यूजर, और इसके लिए ऑलमोस्ट सारी यूज केस वैल्यूज है। मैं इसके पहले कुछ लिख दूं, यूजर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिला हुआ है। ओके, यहाँ पर मैं इसके यूजर पर लिखा पूरा हो, यूजर सारे यूज केस वैलिड है। इसको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि ये यूजर का वर्ड कहीं ना कहीं अवेलेबल हो, चाहे वो स्टार्ट में हो, वर्ड के साथ मिला हुआ हो, जैसे मर्जी मिला हो, उसको कोई मसला नहीं। तो ये वैसे काफी यूनिवर्सल है, लेकिन सीएसएस जब भी हम अप्लाई करते हैं कोशिश करते हैं स्पेसिफिक हो। इस तरह के जो यूनिवर्सल है ना, वो इन फ्यूचर कुछ ना कुछ बग क्रिएट कर सकता है, कि किसी यूजर ने यूजर नेम लिखा और उस बेचारे को ये यूजर की स्टाइल अप्लाई हो रहा है, तो वो
काफी अनोइंग काम होता है, इस वजह से इसको कम यूज करते हैं अनटिल अनलेस के आपके पास स्पेसिफिक रीजन हो। रिफ्रेश ये हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कोई आप चाहते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ लफ्ज इससे स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एक्सपोनेंट सिंबल एंड इक्वल, ये क्या सिलेक्ट करता है यहां पे वर्ड अवेलेबल एनी वेयर इन होल टेक्स्ट, एंड इसमें आ जाएगा ये था वर्ड सिलेक्टर स्पेसिफिक एग्जैक्ट वर्ड सिलेक्टर, और ये वाला था ये तीन वैलिड यूज केस। अब इसकी यूज ये जो है वर्ड एट द स्टार्ट, ओके यहां पर इसका जो यूज केस बनेगा यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, और एक्सपोनेंट सिंबल रिफ्रेश करते हैं, अभी किसी को अप्लाई नहीं हो रहा, यहां पर आके बेसिकली ये स्टार्ट में आना चाहिए, रिफ्रेश हो गया। इसको अब मैं बाद में जो मर्जी हो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ मिला हुआ है नहीं मिला हुआ उससे नहीं, लेकिन इससे पहले स्टार्ट जो होनी चाहिए वैल्यू वो इससे होनी चाहिए। ये एक स्पेसिफिक, और लास्ट एक रह गया है उसको स्टडी कर लेते हैं। होपफुली आपने गैस कर लिया ये स्टार्ट है तो वो एंड पे वैल्यू एट एंड, और उसके लिए डॉलर सिंबल है। ये कह रहा है कि एंड पे होना चाहिए स्टार्ट पे नहीं होना चाहिए, जो मर्जी शुरू में हो फर्क नहीं पड़ता, एंड जो है वो इससे होना चाहिए और इस पर अप्लाई हो जाएगा। चार केसेस हमने स्टडी किए, चार नहीं पांच टोटल। एक इक्वालिटी चेक, एग्जैक्ट वैल्यू वही होनी चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं हो सकता कुछ कम नहीं हो सकता, नहीं यहां पर मैं इक्वालिटी चेक में एक आपको जरा थोड़ी मजे की चीज दिखाता हूं, इक्वालिटी चेक क्योंकि वो मोस्ट स्ट्रिक्ट है, वो भी हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रखना, स्पेसिफिक होना चाहिए ना बहुत ज्यादा लूज होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, दोनों केसेस में जो कोड है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ तो ब्रेक हो जाए, स्ट्रिक्ट होगा तो ब्रेक हो जाएगा, लूज होगा तो बग्स आएंगे, सिंपल। यहाँ पर एग्जैक्ट अगर मैं इसको कह देता हूँ यूजर, और यूजर यहाँ पे लगा देता हूँ, रिफ्रेश अभी हो रहा है, इसको आर कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ है यूजर ही, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर डिफरेंट वैल्यू है स्ट्रिंग में, इस वजह से वो नहीं माना उसने इसे। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, सी एस एस सिलेक्टर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि जो आपका कोड हो वो मेंटेनेबल हो और एफिशिएंट हो। अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और नेक्स्ट हम एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। इक्वालिटी चेक हमने देखा, उसके बाद एग्जैक्ट वर्ड चेक हमने देखा, वाइल्ड एक किस्म का वाइल्ड कार्ड चेक हमने देखा, स्टार्ट में होना चाहिए वो चेक हमने देखा, और इससे पहले ये जो पाइपलाइन वाला चेक के जिसमें वो वर्ड एक तो स्टार्ट में टेक्स्ट स्टार्ट उसके साथ होना चाहिए और उसके बाद या तो हाइफन के साथ आ रहा हो या फिर हाइफन के साथ अगर ना भी आ रहा हो तो स्पेस देके बाद में कुछ आ सकता है, टेक्स्ट स्टार्ट इससे होना चाहिए और अगर इसको किसी के साथ मिलाना भी है तो हाइफन के साथ मिलेगा, वैसे नहीं मिल सकता। ये वाइल्ड कार्ड इसको बस ये टेक्स्ट कहीं ना कहीं होना चाहिए, स्टार्ट एंड मिला हुआ है जैसे तैसे मिला हुआ है, सिर्फ कहीं ना कहीं होना चाहिए ये टेक्स्ट। एक्सपोनेंट सिंपल टेक्स स्टार्ट इससे होना चाहिए, डॉट पहले नहीं आ सकता, कुछ पहले नहीं आ सकता, और बाद में ये किसी और टेक्स्ट के साथ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। और लास्टली डॉलर साइन ये एंड इससे होना चाहिए, इसके बाद डॉट नहीं आ सकता, जैसे कि यहां पे मैं इसको अगर अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट किया, रिफ्रेश किया, अभी अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे इसको आर किया, रिफ्रेश किया, डॉट लगाया, रिफ्रेश किया, नहीं लगेगा, एंड इससे होना चाहिए, एग्जैक्ट एंड इससे होना चाहिए। एक सिर्फ और चीज रह गई जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि टाइप एट्रीब्यूट आप लगाने को यहां पे भी लगा सकते हैं, पी इक्वल टू कस्टम व्हाटएवर, ये एक ऑफिशियल नहीं है एट्रीब्यूट इसका, लेकिन मैं इसके जरिए सी एस एस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि इसको प्रॉपर्टीज क्या साइन हो रही है, यहाँ पर लर्निंग विद ये है, मैं इसको चेंज करता हूँ एहसन महमूद ताकि मुझे देखने में आसानी रहे, रिफ्रेश ये है, और मैं यहाँ पे साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के साथ इसको मैं चेंज कर दूँ, तो पी मैंने टैग नेम, क्योंकि जब एट्रीब्यूट सिलेक्टर हो तो मैं प्रेफर करता हूँ और आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टैग को स्पेसिफाई कर दें, जस्ट इन केस कि अगर बेसिकली, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी नॉर्मल वे में सिंपल रखे सोचें तो
आईडी भी तो एक एट्रीब्यूट है, क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। अगर आप सिर्फ वैसे ही सिलेक्ट करने लगेंगे तो थोड़े बहुत इश्यूज के चांसेस हैं। आप पहले टैग नेम सिलेक्ट करें, उसके बाद आप एट्रीब्यूट कहें टाइप और कस्टम। और जैसे मैं कह चुका कि इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे डबल कोट यूज किया, मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर लूँ और वाइस वर्सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको कह देता हूँ इसको क्या कलर ये हुआ है, और मैं इसे कह देता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज जो है 70 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया, स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है। ओके, जो रिकमेंडेड तरीका है वो ये है कि आप डेटा एट्रीब्यूट्स वो अप्लाई करें, ये वैलिड वे नहीं है। आप इस तरह कर सकते हैं लेकिन, और HTML भी इनवैलिडेट नहीं होती, लेकिन जो सीनियर आपका होगा वो आपसे इस चीज का क्वेश्चन करेगा कि आप, क्योंकि ये एक प्रॉपर एट्रीब्यूट है टाइप का, तो आपने इसको इस तरह क्यों यूज किया। आपको सिर्फ एक कस्टम एट्रीब्यूट चाहिए था जिसके थ्रू आप कोई जावास्क्रिप्ट का या स्टाइल का लॉजिक लगा सके। उसके लिए जो प्रॉपर वे है वो है डेटा एट्रीब्यूट, मीन आप स्टार्ट करते हैं डेटा और हाइफन लगा के अब आप जो मर्जी नाम लिखते हैं, जैसे कि डाटा नेम, और यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसा कुछ भी कर दें। जब आप डाटा इस पैटर्न के साथ चलेंगे, डाटा हाइफन और बाद में जो भी, इस पे आपको क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि ये जो सीनियर डेवलपर्स हैं कि डाटा एट्रीब्यूट्स ये कस्टम एट्रीब्यूट्स हैं, हम अपनी मर्जी का कोई डाटा एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं उसको, और ये एक स्टैंडर्ड है, इस वजह से इस तरह यूज किया जाता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जायोन्स नेम भी कह सकता हूँ, मुझे अगेन रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि ये CSS का स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम अपने प्रोजेक्ट में इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं, इस चीज से हमें कोई नहीं रोक रहा। मतलब कि हम अपने सारे डेवलपर्स को ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि भाई आपने जब भी कस्टम एट्रीब्यूट बनाना है तो आपने जायोन्स का वर्ड यूज करना है और डेटा का वर्ड यूज नहीं करना, ताकि हमारी जो बेसिकली कोड है उसमें एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी और ऐड हो जाए। आपके कोड में आपका कंपनी का बार बार नाम यूज हो रहा है, आपका कोड और सिक्योर हो रहा है। इसको मैं यूज करके कोई भी यहाँ पर मैं नाम और कर सकता था, मैंने इसे किया इस तरह, और अभी अगर मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वो स्टाइल गायब हो गया। यहाँ पे अब मैंने नाम कर दिया जायोन्स नेम और वैल्यू है उसकी एस। रिफ्रेश किया, ये लास्ट एक मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उसको सिलेक्ट कर लो जिसमें सिर्फ जायोन्स नेम का एट्रीब्यूट अप्लाई हो। मैं पहले इसको खराब करता हूँ ऐसे डाल के, रिफ्रेश करता हूँ, नहीं सिर्फ ये किया मैंने, सिर्फ वो कहा वो सारे पी टैग सेलेक्ट कर लो जिसपे ये एट्रीब्यूट अवेलेबल है, वैल्यू क्या है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रेश करता हूँ, वो भी हो जाता है। तो ये थे एट्रीब्यूट सिलेक्शन के कुछ तरीके जो हमने आज की वीडियो में स्टडी की। आज की वीडियो में आपने एलिमेंट्स को एट्रीब्यूट्स के साथ सिलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके स्टडी किए, और लास्ट में आपने देखा कि अगर आप अपना कस्टम एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह उसे बना सकते हैं, और आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरह कस्टम स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।